गाइस हम आ चुके हैं बीच क्वीन। दीदी घर में पजामा पहनती है लेकिन यहाँ पे लंबा सूट। गोवा में हमारे साथ इंडियन आर्मी। भारतीय दीदी। अरे बीवी फोन पे आ गई, भैया भी आर्मी में है। अरे भैया जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। मेरा तो दिन क्या, मेरा पूरा महीना पूरा साल बन गया यार। बोलो गुड मॉर्निंग। क्या खा रहे हो बाबू? डोसा। किसने बना के दिया? दीक्षा ने? मौची मौची ने? बनाना। बनाना वो भी खाएंगे, पहले डोसा खा लो। ये बनाना आपके हैं। आपको कौन सी मासी अच्छी लगती है, नान्ने मासी या पिंकी मासी? नान्ने मासी। पिंकी मासी? पिंकी मासी। पिंकी मासी अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। कितनी अच्छी लगती है? कितनी? कैसे किसी करते हो उसको? मतलब रूपा दीदी सबने नहा लिया, मैं रहती हूँ भी नहाने वाली। और इसको पूरा गांव का टीला बना दिया है रूपा दीदी ने। आज पड़ोस में क्या इज्जत रहेगी, कुआं खोद रखा है मैंने यहाँ। भोले है ना, मैं समझाता हूँ। ये किसी का बाथ टब है दीदी, अंग्रेज लोग आके नहाते हैं यहाँ पे, एंजॉय करते हैं। अगर ये ब्लॉग उन्होंने देख लिया उनको लगेगा कि कुआं बनाया हुआ है नायक जी ने आपके लिए कपड़े धोने के लिए। oh, no. नहाना है आपको? चलो चलिए जी, आज मेरे और हर्ष के रास्ते थोड़े अलग अलग है। आज काम करना है हर्ष को, और वो भी कहीं जा रहा है, मैं भी कहीं जा रही हूँ। हम सीधा शाम को मिलेंगे आपको। मैं तो शाम को मिलूंगी, अगर ये रह नहीं पाया तो ये बीच में आपको मेरे साथ दिखेगा। ये तो रह ही नहीं पाता। बोल वो काम करने भरती। कितने घंटे बाद मिलेगा फिर वो अपना? मैं तेरे को एक पेपर फाड़ के दूंगी, नक्शा बना के, जहाँ हम मिलेंगे वो नक्शा जोड़ेंगे। अगर वो नक्शा जुड़ गया तो हम पति पत्नी हैं, ठीक है? वरना अपनी टिकट खुद करवा लेना बॉम्बे की। क्या खा रहा है बाबू? बोले पापा आपसे बात नहीं कर रहे? अच्छा कर रहे, सॉरी मैं तो कलेश डलवाने की कोशिश की थी पर तुमने तो डलवाया ही नहीं। आप तो अच्छा बेटा निकले। जब हमारी बहू आएगी तब तो नहीं उसकी बातों में आओगे ना? मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। चलो अंगूर गई लेके, पनघट पे गई, पनघट पे जो गोवा का इन्होंने बाथ टब का पनघट बनाया हुआ ना, बाप रे। अरे नायक जी क्यों नहीं देंगे, खलनायक ना बन जाएंगे हम। नायक जी देखेंगे तो बोले ये क्या है? नायक नहीं, बस भाई आज हमारे रास्ते अलग अलग है। हर्ष कहीं और जा रहा है काम करने, मैं अपनी फ्रेंड्स मनीषा और रूपा और हमारा एक छोटा सा फ्रेंड गोले के साथ पता नहीं कहाँ जाएंगे। गाड़ी हमने बुला ली है। जय हिंद। बाबू क्यों परेशान करते हो? क्यों करते हो परेशान? क्यों करोगे? ऐसे नहीं करते, सॉरी बोलो रूपा दीदी को। हाँ बाबू काटेगा? क्यों? बाबू किसका बेटा है? मोए मोए। इससे पहले शक्ति लगा दे, मैं पहले मैंने खुद ही लगा दिया मोए मोए। बाबू किसका बेटा है? मनीषा का। बाबू किसका राजा बेटा है? पापा का। और मम्मा का क्या है? श्लेले। मम्मा का बेटा नहीं है बाबू। मम्मा और पापा को दोनों को डाकू उठा के ले जाएंगे, आप किसको बचाओगे? मनीषा को। चलो बात ही खत्म। माँ बाप को दोनों को मरने देगा, सिर्फ मनीषा को बचा के निकल जाएगा। रूपा को नहीं बचाओगे? बचाओगे। रूपा को अगर पकड़ के ले जाएगा नहीं बचाओगे, समझे? सिर्फ मनीषा को बचाएगा भाई। बोले आप रूपा को प्यार करते हो क्या? मनीषा को? मनीषा। चल भाई चल चल बैग पैक कर। चलिए जी दोस्तों अपना कारवां निकल पड़ा है, हम जा रहे। पति ने बोला आज 4 घंटे हम मिलेंगे नहीं, वो अपना काम करेगा। ये जब भी काम कर रहा होता है लैपटॉप पे ये बोलता पापा गेम्स लगाओ गेम्स लगाओ। भाई ये क्या हो गया भाई? दोस्त भाई हक करता है उनको, कस के हक कर दो नायक अंकल को। बाप रे इसको क्या हो गया भाई?
शाबाश। ये इनका सगा बन चुका है, ये डिस्काउंट के लिए ये बच्चा कर रहा है भाई, सिर्फ डिस्काउंट के लिए कि हमको डिस्काउंट करो। सो गाइस हम आ चुके हैं, नायक भाई है, उनके भाई का एक शैक है बीच क्वीन। कल तो इन्होंने, मैंने आपको पता पूल में जब मैं कह रही थी मैं इन दोनों की मसाज करवाऊंगी, इन दोनों ने मना कर दिया। oh, no. नहीं दीदी शर्म आती है, फुट मसाज में किस बात की शर्म, और बोलती फिर बाद में बोलती कि हम गीली हो गई है पूल में है। लेकिन आज यहाँ पे हम शैक पे जा रहे हैं, यहाँ अगर कोई फुट मसाज वाला होगा तो फिर फुट मसाज लेते हैं। ये मान ही नहीं रही। दीदी क्यों मनीषा को करवा, वो भी करवाएगी, आप क्यों नहीं करवा रहे दीदी, आपके पैर दुखते हैं। मुझे हंसी आती है बहुत। ये है आपका, वो मनीषा का है। क्या खा रहा है बाबू, क्या खा रहा है? दही नहीं होता। नहीं। बाबू बेबी तुम कौन थी? चोको के अगर यहाँ स्ट्रैप लगा दो तो एक बैग लगेगा, है ना चोको? चोको आजो। हम लोग साथ में जिम जाते थे, हम लोग ने बहुत मस्ती की है, बहुत पार्टी की है, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। जब से इन्होंने जिम का पैसा नहीं भरा दोनों को जिम से निकाल दिया। कैसे कैसे पर्स जैसे कुत्ते जैसे ना भाई, हैंडल लगा लूं तो एक मेरा पर्स बन जाएगा। चोको हाय चोको, ये चोको है, क्या नाम है इसका? चोको बाहर फेंको, नहीं खाना खाते नहीं इसको भाई, बाहर फेंकते। ये कितना दोस्त बन गया आपका, गोले खाना नहीं है, हाँ बाहर फेंको उसको। वाह, लोग आते हैं फैंसी कपड़े पहनते हैं, लेकिन दीदी घर में पजामा पहनती है, लेकिन यहाँ पे लंबा सूट रेत पे पहना हो। और ये देखो, ओह माय गॉड, गोवा के जंगल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। पार्टी होने लगी है भाई, आपका कौन सा टी है? पक्का आप मुझे जीत पिक्चर के सनी देओल लग रहे हो। थैंक यू। एक बार बोल दो, उंगली करो ऐसे, ये के गुस्से से करो, सनी देओल जैसे गुस्सा। आपको कोई गुस्सा करने का भी नहीं है। नहीं अरे भाई चलो छोड़ो, ये लो पर्स उठाओ, चाय पी लो। बाबू चाय। आजा बाबू हाथ पे, आजा हाथ पे, चढ़ जा हाथ पे, आजा। बारिश कैसी है, तेज है? हाँ जो पूरा उधर सब लगा हुआ है झंडा। गया कपड़ा सब गीला हो गया, सब गीला हो गया। अचानक से यहाँ पे बहुत बारिश चालू हो गई है, और रूपा दीदी और मनीषा का मुंह उतर गया है क्योंकि इन्होंने कपड़े धोए हुए हैं। oh, no. गीले हो गए होंगे दीदी। गाइस आज गोवा में है हमारे साथ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी गोवा में, तो हमारी रक्षा कौन कर रहा है? आप लोग यहाँ कैसे? अच्छा टेस्ट के लिए, मुझे लगा पार्टी के लिए। क्या बात है, चलिए जी फोटो खिंचवाते हैं। जय हिंद। भाई आप अपनी बीवी के लिए क्या कह रहे, मिस करते हो उसे? अभी तो मेरी फैमिली करते हैं। ये देखो भारती दीदी। अरे बीवी फोन पे आ गई, बीवी नीली हो गई। ये देखो भारती दीदी। हेलो। अरे वो सुंदर है भाई बीवी। मेरी जी भारती दीदी शादी हो गई? शादी हो गई मैम। आपकी बीवी कहाँ है? बीवी घर पे ही है मैम। कुछ मैसेज देना उसको। मैसेज है कि वो ठीक ठाक घर पर आए, हम भी ठीक है। मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। आप भाई आप अपनी बीवी को कोई मैसेज? जी मैम हम ठीक ठाक हैं। याद करते हो बीवी बच्चों को? तुम बिन ये घर सोना सोना है। बेटा है मैम मेरा।
है? ये तो खुशी के आंसू हैं। कितने कितने साल के? एक छह महीने का। छह महीने का? आप देख कर आए हो? हम देखते हैं क्या है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत बहुत बधाई। खुश रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अरे नहीं भाई, नहीं, आप लोग हमारे लिए, देश के लिए जो कर रहे हो ना, वो कोई नहीं कर सकता मेरे भाई। हम लोग बस आपको साथ दे सकते हैं, आगे आप लोग रहते हो। रियल में मतलब लग ही नहीं रहा कि रियलिटी कुछ भी है भाई। मेरे को सच में, मैं कहूँ, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आर्मी ऑफिसर्स हमारा शो देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो भैया, कैसे हो भैया? भैया भी आर्मी में है। अरे भैया जय हिंद। मुझे लगा था मैंने इनका दिल जीता है अपने वीडियो से, पर आज सारे आर्मी वालों ने हमारा दिल जीत लिया। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। लगे रहो बस। जय हिंद, जय हिंद। हाँ जय हिंद बोलो। जय हिंद, जय हिंद मैडम, जय हिंद। वैसे तो हमारे हनुमंत नायक भाई साहब है, लेकिन ये दादा हमको जो मिले है ना परसों से, मेरे को ऐसे लग रहा है ये मेरा ही दोस्त है, मेरे साथ पढ़ता था 10th में। बस इसके बाल चले गए, मेरे आ गए। अभी अगली बार मिलोगे ना हमें? अगली बार बाल रहेंगे कि नहीं? नहीं, बाल का क्या है, बाल का क्या है, आपकी बहन विग लेके आएगी बॉम्बे से, नहीं तो इसके काट लेंगे। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ? गाइस हमारे कपड़े देखो, सब गीले हो गए। हम लोग वहाँ पे थे और रूपा दीदी का तब से मूड ऑफ है। oh, no. गीले कपड़े कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि डोमेस्टिक में 15 केजी या 20 केजी होता है, हमारा 5 किलो गीले की वजह से उसका बढ़ गया वेट। अरे और ये देखो बारिश, चलिए जी व्लॉग को एंड करते हैं। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, कल वापसी है हमारी घर को, क्योंकि क्योंकि भाई तीन कितने दिन रहे हैं हम लोग? 4 दिन। हाँ 4 दिन के बाद घर जाना बनता है ना गोले? घर चले कल? क्यों भाई? चलिए जी, ये तो मान नहीं रहा, लेकिन घर चलते हैं। और जिसने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, पूरी कोशिश करती हूँ कि यार आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। लेकिन आज इतना अच्छा लगा उस शैक पे, जहाँ पे हमें कितने सारे आर्मी ऑफिसर मिल गए यार, इतने सारे आर्मी वाले थे ना कि मज़ा आ गया। और जब कोई कहता ना कि हम आपका वीडियो देखते हैं, आपको देख के दिन बन गया, मतलब जिनकी हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, देश के लिए इतना कुछ करते हैं, वो अगर ये बोल दे, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है, तो मतलब मेरा तो दिन क्या, मेरा पूरा महीना, पूरा साल बन गया यार। थैंक यू सो मच। देश के जवानों को मेरा काम बहुत पसंद आया और ये बहुत खुशी की बात है। बाबू मम्मा का काम बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए जी बाय, प्यार कीजिए सबसे, नाराज मत रहिए किसी से, छोटी सी जिंदगी है, आज है कल नहीं है, इसीलिए सबसे प्यार से रहिए। कभी कभी मैं सैड हो जाती हूँ, और लेकिन जब इसको देखती हूँ ना, तो मेरा तो स्नेल खाना है। अच्छा बताओ, कॉकरोच को हिंदी में क्या कहते हैं? तिल चट्टा। आप मम्मा के क्या हो? तिल चट्टा। ये मम्मा का तिल चट्टा है। चलिए जी अपने तिल चट्टे के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। मम्मा को किच्ची। चल बे। बाबू आप अपना उंगली क्यों नहीं लगाते हैं? करो तो, अपना को करो तो। क्यों? मतलब आप चलाक देखो भाई, उसकी उंगली लेके जाता कीड़े के पास। नहीं, नहीं।